से। वाकई गोविंद जी की तुम मदद करना चाहते हो तो बेटा खुद कमाओ और उनकी मदद करो अपने बलबूते पे, किसी और के पैसे लेके क्यों? मैं क्या करूं मालिक साहब, माना मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूर हूं मैं, पर इस तरह किसी को मरता हुआ तो नहीं छोड़ सकता ना। आप रोइए मत पापा प्लीज। मैं रो कर रहा हूं बेटा, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। गोविंद जी की आंखों में मैंने वो बेबसी, वो लाचारी देखी है, अपने बेटे को ना बचा पाने की, मैं कैसे उन्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूं? नहीं, मुझे कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए मालिक साहब, कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं बताइए मुझे। आज की सारी मीटिंग्स लाइंड अप हो गई मैम। सबसे पहले 11 बजे आपकी बीम ऑफ होप की क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ये रही उसकी फाइल, और उसके बाद कुछ पुराने क्लाइंट्स के साथ। इसके लिए तो आपको रघु को भी बुलाना पड़ेगा, आपने इन्फॉर्म किया? मैम रघु जी अब तक ऑफिस नहीं आए मैम। व्हाट, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए? कहाँ है वो? पता नहीं मैम, मैंने उन्हें कॉल किया था बट कॉल का आंसर नहीं किया मैम उन्होंने। इट्स ओके, आप एक काम कीजिए, हमें बाकी की सारी मीटिंग्स की फाइल्स भेज दीजिए। श्योर मैम, थैंक यू। वाह रघु, हमने तुम्हें पैसे देने से क्या मना कर दिया, तो तुम इस तरह से बदला लोगे हमसे? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बिना ऑफिस नहीं संभाल सकते? हम ऑफिस का सारा काम खुद कर लेंगे, चाहे तुम हो या नहीं हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघु भैया, आप यहाँ पे भैया से चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ वो हमारी हमारी कंपनी के अकाउंटेंट हैं गोविंद जी, उनका बेटा एडमिट है यहाँ पे, उन्हीं से मिलने आया था। अच्छा, कौन से वार्ड में हो? विवेक, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। रघु भैया मुझे अभी चलना होगा, मैं फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। प्रभु, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, उसे कुछ होने मत देना प्रभु, मेरी जिंदगी का चिराग है वो बुझ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा प्रभु। रघु जी बस पैसे लेके आते ही होंगे, फिर ऑपरेशन शुरू होगा, मेरी सारी उम्मीद, विश्वास, जिंदगी सब आपके हाथों में है प्रभु। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना प्रभु, और जरूरत है आपके आशीर्वाद की प्रभु। आगे रघु जी क्या कहा बेबी जी ने? पैसे दे दिए? क्या हुआ रघु जी, आप बोल नहीं रहे? गोविंद जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था।
देखिए हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, उसके बाद हमें ऑपरेशन करना हो, तब तक प्लीज आप सारी फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। रघु जी, हम कुछ नहीं हो सकता ना, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता। गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी ऐसी बातें मत करिए आप। गोविंद जी अभी भी हमारे पास 4 घंटे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। गोविंद कैसे ढूंढ लेंगे, कैसे रघु जी, 4 घंटे में हम क्या कर लेंगे? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। गोविंद जी, गोविंद जी हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, एक उम्मीद ही तो है हमारे पास और हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हम। गोविंद जी हमें विश्वास रखना होगा अपने आप पर और भगवान पर, और मुझे पूरा विश्वास है गोविंद जी, भगवान भगवान कभी भी हमें ना उम्मीद नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, कुछ नहीं होगा गोविंद जी, मैं वादा करता हूं आपसे गोविंद जी, मैं वादा करता हूं कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। विवेक जल्दी कर यार, वो हम सबको कब से बुला रहे हैं। हाँ हाँ हो रहा हूँ यार। हाँ ठीक, कुछ बार गाड़ी की डिलीवरी हो जानी चाहिए। हाय विवेक, हाय गणेश, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो यार, खड़ी तो बड़ी अच्छी है तेरी, नहीं खरीदी क्या? हाँ यार, थोड़ी महंगी है 10,000 की, पर अपना दिल आ गया तो ले ही ली। हाँ सही है यार, अच्छी है। ठीक है चल अंदर मिलते हैं। ठीक है यार। गणेश एक बात बता, अभी इसने नई बाइक बुक की है, साथ में 10,000 की घड़ी, और एक मैं हूं, देख कब से ये प्लास्टिक के फीते वाली घड़ी पहन के घूम रहा हूं यार। इसकी सैलरी भी उतनी होगी ना जितनी मेरी है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसके पास इतने सारे पैसे आते कहां से? देखिए हम लोग ठहरे सीधे लोग, और वो है टेढ़ा, और सीधे साधे लोग कभी पैसे नहीं कमा सकते। मतलब और कहां से कमाता है पैसे यार? हॉस्पिटल में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, और तू सोच इतनी दवाइयां, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स वगैरह आती है, इसका हिसाब तू बता कौन लेता है? और ये सब बाहर में ब्लैक में बेचे जाते हैं, और ये अकेला नहीं है जो ये सब बेचता है। देख यार, मैं अपनी छोटी सी कमाई में बहुत ज्यादा खुश हूं, इसके लिए मैं खतरा मोल नहीं लेता, वरना अगर एक बार यहां से कोई दवाइयों का कार्टून अगर बाहर ले जाए ना, तो बेचने के तो 100 तरीके हैं। तू जरा सोच, ये लोग एक कार्टन से 5 लाख रुपया कमाते हैं। कितना? 5 लाख रुपए? हाँ। पांच लाख रुपए, इससे तो नए घर के पैसों का इंतजाम एक झटके में हो जाएगा। ओए, तू कहीं झोल करने के लिए तो नहीं सोच रहा है ना? हाँ, नहीं नहीं यार, तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है आ जा। हम सब गोविंद जी के बेटे के लिए दुआ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया,
जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। रघु तेरा लास्ट मोमेंट पे फोन आया तो मैं इतने ही पैसे का इंतजाम कर पाया हूं। ये ले। कोई बात नहीं, थैंक्स यार, मैं जितना जल्दी हो सकेगा ये पैसे लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, थैंक्स। ये 20,000 रुपए हैं, ये गोविंद सक्सेना के नाम पे जमा कर दीजिए। बाकी के पैसे मैं थोड़ी देर में लाके देता हूं। थैंक यू। पता नहीं कितनी सारी फाइल्स है, खत्म ही नहीं हो रही है। थक गए हम। बस बेबी जी, थक गई आप? मैंने आपसे पहले ही कहा था बेबी जी, मेरे बिना आप ये काम नहीं कर सकती हैं। बकवास मत करो रघु, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? और तुम्हारे आने से पहले ही हम एक फाइल पूरी पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो शायद आया भी नहीं है। चाहे यहां हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी ये फोटो हमें ये जरूर याद दिलाती रहेगी कि हमें तुम्हें गलत साबित करना है। तुम देखना रघु, हम आज ही ये सारी फाइल्स खत्म करेंगे, क्योंकि हमें ये साबित करना है कि तुम्हारे बिना भी हम ऑफिस संभाल सकते हैं। लता रोटी ले आना। लाई जमा जी, ये लो रोटी ले लो। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप खाइए, आ रही है ना रोटी। देखिए ऑफिस पे बड़ा काम करके आए हो थे, अरे गरम गरम रोटी आठे डाल दे। अरे थे जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्या है ना भैया कि मैंने पूरे दिन का काम आधे दिन में खत्म कर दिया, तो बॉस मुझसे कहने लगा कि अरे वाह रुपेश बाबू, पहले ही दिन इतना सारा काम कर दिया आपने, काफी है, आप घर जाओ आराम करो। यो अपने जमाई राजा है ना, बड़े कमाल के, बस एक बार इनकी पगार शुरू हो जाने दो, फिर देखना यो घर के कैसे वारे न्यारे हो जाते हैं। सब लोग यहाँ मेरी पगार पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो कभी आने ही नहीं वाली,
और मेरी नजरें गड़ी हैं रघु की प्रॉपर्टी पर। अरे रघु, रघु तू थका रहा काहे नजर आ रहा है? आजा बेटा, हम लोग आंके साथ खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ आजा आजा रघु, रोटी खा ले। नहीं वो मैं खाना खाने नहीं आया हूं। दरअसल मुझे मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है। मदद? यो कैसी मदद? वो बापू, मुझे मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। पांच लाख रुपया? अरे मारा कने 500 रुपया कोनी, थारे को 5 लाख रुपया कटे से लाके दूंगो। पर बेटा काय हुयो, इतने पैसों की जरूरत काहे आन पड़ी थारे ऊपर? माँ वो हमारी हमारी कंपनी में अकाउंटेंट है गोविंद जी, उनके बेटे को कैंसर है माँ, उसका आज ऑपरेशन होना है। अगर अगर पैसे जमा नहीं करा, ऑपरेशन नहीं हुआ, तो उसकी जान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यो रघु, मारे को एक बात बता, यो अकाउंटेंट बेबी जी के पास काम करता है ना, तो यो बेबी जी से क्यों पैसा नहीं मांगता है? बेबी जी ने पैसे देने से मना कर दिया। इसको मतलब यो है कि बेबी जी थारे से ज्यादा समझदार है जो मना कर दी। अब यो बता, मारे पास कोई गड़ा का जाना है जो थारे को लाके दे दूं? काय बात कर रहा है? रघु भैया, मेरे पास भी अभी पैसे नहीं है, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ करके आपकी मदद जरूर करता। 5 लाख ना सही, हम लोग कुछ ना कुछ तो मदद जरूर कर सकते हैं। अरे कुछ का मतलब कहीं है थारा? 500, 700, 1000 कितना पैसा लाएगी और कटे से लाएगी? बापू मेरे पास एक रास्ता है। अगर अगर हम ये घर गिरवी रख ले तो गिरवी? यो घर गिरवी रखेगा तो थारा दिमाग खराब हो गया काय? एक काम कर, तू यो घर गिरवी रख दे, हम सबको गिरवी रख दे, और जो पैसा मिलेगा ना उससे तू सारी समाज सेवा कर। बापू बात को समझो, फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। माँ सिर्फ पैसों की वजह से मैं किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकता माँ। तो काय अपने बाप को बिना घर के मरता देखेगा काय? तारे को यह घर गिरवी रखना है ना, रख दे रख दे, पर थारे को मारी एक शर्त माननी पड़ेगी। मालिक का की आधी प्रॉपर्टी थारे को लेनी पड़ेगी। और जो पैसा मिलेगा ना उससे मारे को एक नया घर दिला देना। उसके बाद थारे जी में जो आए इस घर का करना, वरना यो याद रख,
मारे जीते जी मैं इस घर को किसी हालत में भी गिरवी रखना नहीं दूंगा। कोई बात नहीं बापू, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। ठहरो भैया, हमारे पास कुछ कहने हैं। थे उनको गिरवी रख दो, कुछ तो मदद हो जाएगी उन लोगों की। हाँ बेटा रघु, हमारे पास भी कुछ गहने हैं। अब हमारे गहने किस काम के, वो भी ले ले। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। अब रघु भैया, खाना तो खा जाते। कम वक्त बचा है मेरे पास। गोविंद जी की आखिरी उम्मीद हूं मैं। मुझे कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा।